नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बिहार में जो सियासी उठापटक चल रही है उसने पूरी देश में राजनीति को फिलहाल उससे गरमाई हुई है। राजनीति में खासी उठापटक चल रही है और क्योंकि नीतीश कुमार पर ये अटकलें लगाई जा रही है कि वो NDA यानी कि BJP के गुट वाले गठबंधन में वापसी कर सकते हैं 2020 की तर्ज पर, जिस तरीके से 2020 में उन्होंने सरकार बनाई थी, बन रही थी उनकी, और उसके बाद जाकर के उन्होंने सरकार गिरा करके RJD के साथ में वो मिल गए थे। किंग मेकर की भूमिका उन्होंने दोनों सरकारों में निभाई थी। दोनों जब पक्षों में वो रहे थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और इस बार फिर से नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। और वो उम्मीद इसकी पूरी की पूरी लगाई जा रही है कि वो NDA गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके कई सारे मायने हैं, कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जो है वो इंडी अलायंस से नाराज चल रहे थे। इंडी अलायंस से नाराज इसलिए भी क्योंकि एक तो इंडी जो गठबंधन है उसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी थी। अगर हम बहुत साफ तौर पर देखें तो ऊपर से नीतीश कुमार इस वजह से भी नाराज थे क्योंकि इंडी गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नामांकन उनका प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, यानी कि अगर इंडी गठबंधन जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो इसमें प्रस्ताव ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो CM फेस होंगे। इस वजह से भी नीतीश कुमार नाराज थे। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने संयोजक का पद जो है वो ठुकरा दिया था क्योंकि वो एक बड़े चेहरे के रूप में वहाँ पर उभरना चाहते थे। और इससे पहले और एक बड़ी बात ये भी है कि लोकसभा में वो 17 सीटें मांग रहे हैं इंडी गठबंधन के अंदर, तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कई वजह हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है नाराज चल रहे थे। ऊपर से लालू प्रसाद यादव के साथ में उनके मतभेद, और बताया जा रहा है कि लालू को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो इस वजह से भी कई सारे कारण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब बिहार में सियासी उठापटक चल रही है तो इस दौरान BJP, RJD और साथ ही साथ JDU नीतीश कुमार की पार्टी, तीनों ने अपने अपने विधायक दलों और सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई तरह की चर्चा हुई। NDA की BJP की जो बैठक हुई उसमें एक बड़ी चर्चा का विषय ये रहा कि नीतीश कुमार को NDA के साथ में मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए। अब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उससे उम्मीद ये है कि BJP जो है नीतीश कुमार को अपने दल में शामिल कर सकती है। 45 सीटें इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के पास है, 78 सीटें BJP के पास है और 79 सीटें जो है वो RJD के पास है, यानी कि BJP के पास मात्र एक कम है। अब दोनों ही पार्टियों के पास, वो RJD हो BJP हो, दोनों ही पार्टियों के पास बिहार में 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और उस 122 के लिए जाहिर सी बात है कि सीटें पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए नीतीश कुमार का समर्थन चाहिए था। इसलिए जब बिहार में जब पहले चुनाव हुए थे तो पहले नीतीश कुमार जो है वो BJP के साथ यानी कि NDA में मिले थे और उसके बाद जब उन्होंने सरकार तोड़ करके वो RJD के साथ मिल गए थे जिसमें तेजस्वी यादव जो है वो उप मुख्यमंत्री बने थे। अब इसके बाद से तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री पद से हटने की जाहिर तौर पर साफ साफ उम्मीदें हैं और JDU हो गई, BJP हो गई, RJD हो गई, अपने अपने दलों की इन्होंने बैठक बुलाई और RJD की बैठक जो है वो तेजस्वी यादव ने बुलाई थी जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि उनके पास वो पद ना रहे। आपको बता दें कि BJP ने विधायकों का हस्ताक्षर वाला समर्थन, यानी कि विधायकों किन किन को कौन कौन से विधायक जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन देने वाले हैं BJP की ओर से, उसका हस्ताक्षर युक्त जो समर्थन है वो CM नीतीश कुमार को सौंपेंगे। और इसके बाद जब नीतीश कुमार जब NDA के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, बन सकती है वो सरकार, इसके पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से हालात जो है बिहार में चल रहे हैं वो एक अहम बात है। और जब वो सौंपी जाएगी तो कैबिनेट मिनिस्टर का पद जो है वो किसे मिलेगा वो एक अहम सवाल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि BJP की ओर से भी कई नेता ऐसे होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे ऊपर वो लोग हैं। आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने जो है एक बयान दिया है और इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने NDA छोड़ दी है। क्या है वो बयान? दरअसल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जो है वो इंडी अलायंस में होते तो शायद वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो
ये एक बहुत बड़ा बयान है। इस बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को छोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडी अलायंस उन्होंने ही इंडी अलायंस बनाया था, यानी कि नीतीश कुमार ने ही इंडी अलायंस बनाया था, और अगर वो रहते तो शायद प्रधानमंत्री बन सकते थे, यहाँ किसी को भी चांस मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके बयान से भी साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो इंडी अलायंस में एक बड़े चेहरे के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई हुई है। तो ऐसे में बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से ये है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को जो है बाय बाय कर दिया है, और अब वो एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं या जा सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि तभी होगी जब नीतीश कुमार की ओर से आधिकारिक बयान आएगा या बीजेपी की ओर से आधिकारिक बयान आएगा, और साथ ही साथ वो कब इसके बाद शपथ लेंगे वो एक अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल वो एनडीए के साथ में सरकार बनाएंगे या नहीं, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने इंडी गठबंधन को जो है बाय बाय करने का फैसला ले लिया है, जो कि अखिलेश यादव के इस बयान से भी समझा जा सकता है। साथ ही साथ ममता बनर्जी भी जो है वो इंडी गठबंधन से नाराज चल रही है। तो अब सवाल यही है कि बहुत जल्द ही क्या नीतीश कुमार जो है बिहार में एक बार फिर से एनडीए के साथ जुड़कर सरकार बनाएंगे? क्या वो जो पलटू राम का जो उनको टैग मिला हुआ है, उस पलटू राम का जो वो जो टैग है, उस टैग को फलीभूत करेंगे? क्या वो जो नाम उनको मिला हुआ है, उस नाम पर वो खरे उतरेंगे? ये एक अहम सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप जाकर ज़रूर दें। और एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि 2020 के जिस तरीके से फॉर्मूले पर नीतीश कुमार जो है वो सरकार बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद लोकसभा पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।